पे हम उन्हें कृष्ण जी ही मानते हैं। सिर्फ अपनी आत्मा, हमारी आत्मा जानती है कि हम उन्हें क्या समझते हैं। आपकी जन अदालत में से मैं हूं राजा भैया पाल, आप देख रहे हैं पंडोखर धाम से सीधा कवरेज, और हमारे साथ पंडोखर धाम के भक्त से बात हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? निर्मला सिंह। कहाँ से आई है? लखनऊ से। लखनऊ से निर्मला जी हमारे साथ आई, कब से जानती है पंडोखर धाम के बारे में? 3 महीने से जान रहे हैं, सितम्बर से। जी, उसके पहले नहीं जानते थे, यूट्यूब से देखा था, तभी से हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हम कब वहाँ पहुँच जाएँ। और वहाँ से आने के बाद जब पहली बार 15 दिन बाद ही हम तुरंत आ गए थे, हमारा मन नहीं लग रहा था घर पर, जितना यहाँ देखा सब सच पाया, कुछ भी झूठ नहीं है। लोग बहुत सारे कुछ इधर उधर से नाजायज कुछ बोलते हैं, ऐसे हैं वैसे, लेकिन सब कुछ अच्छा। हम तो गुरुजी से यही चाहते हैं कि गुरुजी पैसा लेना बंद ना करें। हाँ, हमें बहुत विश्वास है यहाँ पर। जी, हम मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम भी आपने सुना होगा। जी जी। तो पंडोखर धाम और बागेश्वर धाम में कितना अंतर मानते? बहुत अंतर है जी। वहाँ पर लोग जाके धक्के खाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आदमी कम से कम पैसे देता है, ये तो पता होता हमारा नंबर कब आएगा, इच्छा तो होती है। बाकी लोग वहाँ से धक्के खाकर वापस आते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वहाँ टाइम नहीं मिला। जब टाइम पैसे देंगे तो हमें जाहिर से बात रहेगी कि हमें पता चलेगा कि हमें कब जाना है। जी, हम उसी हिसाब से आए हैं, हमारा नंबर आ गया। और पंडोखर सरकार के बारे में उनकी क्या अच्छाइयाँ आपने परखी हैं उनको? कुछ हम कह नहीं सकते हैं, उनकी अच्छाइयों का हम कुछ बता नहीं सकते हैं, कितने अच्छे हैं और क्या क्या करते हैं। हम तो उन्हें एकदम समझिए कि कृष्ण जी का रूप मानते हैं। जी, ये इस धरती पे हम उन्हें कृष्ण जी ही मानते हैं। किस तरीके से आपने उनको कृष्ण कहा है, क्या अच्छा? अब क्या क्या, हमने तो हम मुँह से बयान नहीं कर सकते हैं कि उनकी अच्छाइयों का हम किसी से कुछ कह रहे, सिर्फ अपनी आत्मा, हमारी आत्मा जानती है कि हम उन्हें क्या समझते हैं। तो क्या समस्या थी आपको? घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं जी, वह क्या क्या बताएं, बहुत सारी दिक्कतें जो गुरुजी बिना कुछ उनसे बताए, ना हमने यहाँ पर किसी से बात की, सारी समस्याएं उन्होंने हमारी लिख दी हैं जी। नहीं, यहाँ आने से कुछ फ़र्क हुआ? बहुत फ़र्क हुआ। हम जब पहली बार आए हैं, उसको दोबारा जब अमावस्या करने आ गए थे, हम अपने मन से ही अमावस्या करने लगे हैं, हमारा कमर की दर्द बिल्कुल ठीक हुआ। अब हम चाहे जितना दूर चल लेते हैं, हमारे कमर में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, पहले इतना दर्द होता था कि हम थोड़ा दूर भी चले जाते थे, बहुत कमर में दर्द होती थी। वही हम तो सबसे कहते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, हम यही चाहते हैं हम कितने लोगों को बटोर कर यहाँ ले कर आएँ, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है लोगों की, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आने में असमर्थ हैं, समझ में नहीं आता कैसे लेके आएँ। बहुत लोगों से बात भी करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, कैसे लेके आएँ, यहाँ तक किराया का उनका पैसा नहीं है। नहीं, तो आप पंडोखर धाम में आपके नहीं पैसा खर्च हो तो कैसे काम चलेगा, गरीब आदमी कैसा नंबर आएगा क्या? नहीं तो गुरुजी तो उनके लिए भी बना चुके हैं, 1 रुपए की भी रसीद है, उसके बाद उस रसीद से वो अपने तरफ से, हमने देखा कई लोगों का हवन भी करवाए हैं खुद यहाँ से। नहीं होगा, इंसान यहाँ रह के कुछ काम करके, रुक के कुछ काम करके पैसा कमा के अपना काम कर सकता है। सुविधाएं बहुत सारी हैं अगर इंसान करना चाहे तो, अगर हम इस पर लग जाएंगे तो दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो हम करके ही रहेंगे। तो आपको भरोसा है कि आप यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे? बिल्कुल, 101%। लोग तो तमाम प्रकार के कमेंट लिखते हैं, शक्ति पुत्र वगैरह? नहीं, हमें तो बहुत गुस्सा आती है, लोग कमेंट लिखते हैं, हम भी कभी कभी उसमें लिख देते हैं जवाब में, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या इन लोगों के साथ बहस करना, पागल लोग हैं जो जिनका दिमाग खराब हुआ है, समझिए जी। तो आप 10 में से कितने नंबर दे दोगे? 10 में से 11 नंबर देंगे। पृथ्वी पर धर्म सत्ता पराशक्तियों से स्थापित है, हमारे लाखों जन्म भी हो जाए हमारी खत्म हो जाए। YouTube चैनल पर श्री पंडोखर सका दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक अनेक ग्रुपों में और अपने यहाँ के ग्रुपों में अवश्य डालें। दादा क्या होगा आपको? गले में पीड़ा है, गंभीर रोग है, कट लगा हुआ है, यह कट लगा हुआ है, गले में पीड़ा है, कट है, गंभीर रोग है, कैंसर के लक्षण प्राथमिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कैंसर है नहीं, घबराना नहीं, प्रारंभिक दवा से लाभ मिल जाएगा, उपचार से लाभ मिल जाएगा। अभी आपने चेक कराने भी रिपोर्ट भेजी होगी? हाँ
डाली रिपोर्ट गया हुआ है, दो दिन अभी नहीं आई, तो इसमें लिखा है और हनुमान जी कृपा करेंगे ये कट है गले में, ये तत्काल इसी क्षण सुधार होना प्रारंभ होगा। पुष्पावती का जल यहाँ की धूप अपने ओठ से स्पर्श करें और साथ ही जो दवा उपचार चल रही है वह फलीभूत हो जाएगा। मैं किसी भी पद्धति को छोड़वाता नहीं हूं, क्योंकि डॉक्टर का काम डॉक्टर का है, वैद्य का काम वैद्य का, और हमारा काम हमारा हमारा, तो जो है जिसका जो चल रहा है उसी में पंडों का सगा का आशीर्वाद, जो मानते वो यहां है, जो ना मानते वो मैं घरे बैठे। ये किसी दरबार आप लोगों से नास्तिक टाइप के लोगों से प्रमाण पत्र नहीं चाहता, जिसको चाहे जो चाहते हो हमसे तो वो ले जाए, हमें आपसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। तो जो बात कर रहे हैं करा रहे हैं, कराइए आशीर्वाद, और हमारी गारंटी है आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। कुछ और तो नहीं कोई समस्या? मैं से बोलो ज्यादा। अच्छा चलो, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तंत्र बाधा का प्रयोग तुम्हारे घर में है, तंत्र बाधा का प्रयोग तुम्हारे घर में है, और ये शक्ति इस समय राजपाल के ऊपर है। राजपाल किसका नाम है? आपका नाम है ना? ये शक्ति तुम्हारे घर में प्रेजेंट में दो बच्चियों को दिक्कत कर रही है, जिसका नाम दीपाली और सिपाली होगा। हाँ जी, पोती है, हाँ जी। और ये जुड़वा हुए हैं? हाँ, जुड़वा हुए थे। ये पंडोगर सगा दरबार है, और जहां से तत्काल स्क्रीन पर छोड़कर दिखा जाता है, और मैं उपाय बताता हूं, माइक रखिए। ये उपाय है, नीचे हाथ उठाओ, दो लौंग लेना है दाएं हाथ में, और दो लौंग लेकर के अपने घर के सभी अमुक अमुक नामों के व्यक्तियों के नाम लेकर के कि उनकी पीड़ा खत्म हो, उनकी बाधा खत्म हो, और पुष्पावती में छोड़ दीजिए, आपके घर का संकट खत्म हो जाएगा। और पांच कन्याओं का भोज, दो जलेबी, पूरी, हलवा, जो भी आपका तुम समर्थ हो, 5, 11, 21, 51, हम तो 5 बोल दिया, कोई ऐसी चीज नहीं बोली जिसमें आपको नुकसान हो। मैं गारंटी देता हूं आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक होने पर श्री हनुमान जी महाराज को रोट चढ़ाना और शनिवार का अवरात्रि का छोला पंडोगर सगा नहीं, या आपका जो दक्षिणमुखी सिद्ध स्थल हो, प्राचीन हो, 12 वर्ष से पूर्व कोई भी स्थान हो, नई स्थापना के मंदिर के लिए नहीं बोल रहा हूं, भगवान तो सब बराबर होते हैं, हनुमान जी सब एक ही है, लेकिन 12 वर्ष प्राचीन हो, जितना पुराना मंदिर हो वहां पर चूल्हा चढ़ाइए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। बोलो क्या पूछना चाहते हैं गुरु जी? माइक से बोलिए। एक तो मेरा छोटा लड़का है कार्तिक, उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो उसके गुस्से की कुछ बताए। ये सांस क्यों चल रही? अब तो तुम धीरे धीरे आए मस्ती से। मेरे पैर में दर्द हो जाता है कभी भी, क्यों पता नहीं क्यों जाता, वो बहुत तेज दर्द हो जाता, चला नहीं जाता, अभी बिल्कुल ठीक था और अभी हो गया। कार्तिक को क्या हो गया? कार्तिक छोटा लड़का, तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है बस। बढ़िया, पिताजी से पढ़ो, सब लोग सुन ले। पिताजी की तंबाकू है जर्दा छोड़ने की आदत है। आदत है नहीं, छोड़ना है, छोड़ना है। कृपा होगी, IAS का चांस बनता है, पढ़ाई करें। कार्तिक बात मानेगा, आशीर्वाद है, अन्य जॉब होगी, मनोक होगी, प्रयास करें तो IAS ही बनेगी। ठीक, और कार्तिक बात मानेगा। अच्छा, एक मेरी पत्नी कहती है, एक पत्नी कहती है, एक ही पत्नी है मेरी। अच्छा, तो वो जो कहती है कि मतलब मेरी वजह से लड़ाई रहती है, उसकी वजह से रहती है, मतलब नहीं, दोनों तरफ से रहती है। ठीक, आप मानते नहीं हो, वो समझाती है, तुम समझते नहीं हो, लड़ाई हो जाती है। मेरी गलती नहीं पर गई, हनुमान जी की कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ठीक, ये नियम से विधि करो, आशीर्वाद।